एक्सेलशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उर्तेश गुप्ता, दर्शकों आपको बड़ा अपडेट दे दें नेशनल हाईवे के रिगार्डिंग। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि कल भारी बारिश होने के कारण जो है तत्काल जो है सरकार को फैसला लेना पड़ा, तत्काल ही सरकार ने जो है नेशनल हाईवे जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि जगह जगह पर जो है हमें स्टोन गिरते हुए नजर आ रहे थे, जगह जगह पर जो है पस्सियां गिर रही थी, लैंडस्लाइड हो रही थी, मडस्लाइड हो रही थी, और इसी बीच में जो है नेशनल हाईवे प्रभावित हो रहा था। रामबन की बात करें, रामबन से सटे इलाकों की बात करें, हर जगह जो है हमें पस्सियां गिरती हुई, पत्थर गिरते हुए, भारी पत्थर गिरते हुए जो है नज़र आ रहे थे। इसी बीच में प्रशासन ने यह फैसला लिया था कि शुक्रवार को भी जो है नेशनल हाईवे को बंद रखा जाएगा। लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि नेशनल हाईवे को रिस्टोर के लिए जो है काम चल रहा है और जल्दी जो है नेशनल हाईवे को खोला जा सकता है, इसकी परमिशन दी जा सकती है। जैसे ही यहाँ पर जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है, जो पत्थर गिरे उन्हें हटाया जा रहा है, रास्ता जैसे ही साफ होगा तो प्रशासन इसकी अनुमति दे सकता है, नेशनल हाईवे जो है वो खुल सकता है। जिस तरह से नेशनल हाईवे की ही बात करें, उधमपुर से सटे इलाकों की बात करें, तो लंबी लंबी कतारें जो हैं वाहनों की हमें देखने को मिल रही हैं, और विकल्प के तौर पर जो मुगल रोड ओपन थी आज वो मेंटेनेंस के लिए जो है उसे भी बंद कर दिया गया है। यानी कि लोगों को अगर जम्मू से श्रीनगर जाना है, श्रीनगर से जम्मू आना है, तो उन्हें ट्रैफिक विभाग से जो है उसकी जानकारी हासिल करनी है और उसके बाद ही अपने गंतव्यों के लिए जो है उन्हें निकलना चाहिए। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिलहाल नेशनल हाईवे जो है वो बंद है, और जिस तरह से अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा की बात करें तो यात्रा के लिए जत्थे को जम्मू से रवाना ज़रूर किया गया है, लेकिन जत्था जो है चंद्रकोट में ठहराया गया, और जैसे ही रास्ता क्लियर किया जाता है, रास्ता साफ होता है, तो जत्थे को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी, और जो कल से जत्था वहाँ पर रुका हुआ है वो भी आगे बढ़ सकता है, जो आज से जत्था वहाँ पहुँच रहा है उसको भी आगे जाने की परमिशन दी जाएगी, अमरनाथ जी की यात्रा के अगले ट्रैक में जाने की परमिशन दी जाएगी। लेकिन फिलहाल मौसम के कारण जो है नेशनल हाईवे प्रभावित हो गया था, यात्रा जो है वो प्रभावित हो गई थी, लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो प्रशासन बिल्कुल सचेत और प्रशासन जो है मैन और मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है, और मलबे को हटाने का, जो वहां पर लैंडस्लाइड हुई है, मडस्लाइड हुई है, उसको क्लियर करने का, रास्ते को साफ करने का कार्य जो है जोरों शोरों से किया जा रहा है, और जैसे ही रास्ता क्लियर हो जाएगा तो लोगों को, वाहन चालकों को जाने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल प्रशासन के आदेश के अनुसार नेशनल हाईवे जो है आज के लिए बंद रखा गया है। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यहाँ रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत।